छात्रों, पद परिचय हमारा कक्षा 12 का बिंदु चल रहा था और पद परिचय में हम पहुंच गए थे कि पद क्या होता है, पद के कुल कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि भाई जो पद परिचय है, पद परिचय के दो भेद होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। पहले हमने विकारी पदों के बारे में पढ़ा कि विकारी पद हैं वो चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद हमने उनका एक एक करके कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उनकी व्याख्या, उनके उदाहरण, उनसे संबंधित शब्द हमने उसमें जाने। उसके बाद अविकारी पद की बारी आई कि अविकारी पद जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी पद कहलाते हैं। और उसमें हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को पढ़ा। इनको पढ़ने के बाद अब हमारा जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु पर हम पहुंचे हैं कि पद परिचय या पद व्याख्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे करनी पड़ती है। और इसी यही आप लोगों के एग्जाम में आती है और इसी के नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विकारी पदों की पद व्याख्या पढ़ रहे हैं। और देखिए, एक बात यहां नोट करने की है, हालांकि मैं नोट के रूप में उस बात को आपको लिखाऊंगा। पद परिचय हमेशा 99% विकारी पदों का ही आता है, क्योंकि इन्हीं का पद परिचय देते समय या पद व्याख्या करते समय इनके प्रकार, लिंग वचन वगैरह लिखने पड़ते हैं। अविकारी पदों में तो ये होते ही नहीं है, इनके द्वारा उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनका पद परिचय नहीं आता है। तो यहां हम संज्ञा की का जो पद व्याख्या है या पद परिचय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये संज्ञा की पद व्याख्या या पद परिचय में निम्न बातें बताई जाती हैं। तो कौन कौन सी बात बताई जाती है? सबसे पहले तो संज्ञा का प्रकार, उसके बाद उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। ये कुछ बातें हैं जो इसमें बताई जाती हैं। तो हमारे पास वाक्य है कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। कौन सा वाक्य है? अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य हमारे पास है। अब हमको सबसे पहले तो इसमें यह जानना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, दो प्रकार से प्रश्न दिया हुआ आता है। एक तो इस प्रकार से वाक्य दे दिया जाता है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है कि उपरोक्त वाक्य में संज्ञा का पद परिचय दीजिए। एक दूसरा तरीका होता है कि उसमें इस प्रकार से किसी शब्द को या कुछ शब्दों को रेखांकित कर दिया जाता है वाक्य के अंतर्गत और लिखा होता है कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो इस तरीके से दो तरीके से हमारे पास प्रश्न आता है। अब इसमें इसी वाक्य को हम लें, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले हमें यह जानना है कि इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, अभिषेक ये संज्ञा पद है और पुस्तक ये संज्ञा पद है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमारे पास ये दो शब्द संज्ञा हुए। इसका तरीका है कि जो पहला पद हमारा है अभिषेक, इस अभिषेक शब्द को हम पहले बाहर निकालेंगे। इस तरीके से वाक्य से बाहर निकाला, इसके आगे चिन्ह लगा के और तब यहां लिखेंगे हम सबसे पहले संज्ञा का प्रकार। तो हमें अभिषेक में जानना है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, तो यहां पर लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद इसका लिंग पुल्लिंग है,
तो पुल्लिंग लिखेंगे। वचन एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे। कारक अभिषेक पुस्तक पढ़ता है तो कर्ता हो गया। और पढ़ना क्रिया के साथ, इसका क्रिया के साथ संबंध, तो क्रिया क्या है? पढ़ना। तो यहां पर हम लिखेंगे पढ़ना क्रिया के साथ संबंध। तो इस प्रकार से इसकी पद व्याख्या दी जाती है। अब दूसरा पद भी अगर है तो उस दूसरे पद को भी हम इसी प्रकार से बाहर निकालेंगे। और वही सबसे पहले संज्ञा का प्रकार। तो देखिए पुस्तक, पुस्तक में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक है, क्योंकि एक समूह का नाम है। तो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा पुस्तक। यहां वचन एक वचन है, वही पढ़ना क्रिया के साथ संबंध। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगी? इसकी पद व्याख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पद व्याख्या। अब देखिए इसमें यहां एक बात जरूर है कि काफी बार जैसे हमने यहां पुल्लिंग लिखा है, तो अगर हम अभिषेक के हिसाब से लेते हैं तो यहां पुल्लिंग आता है, लेकिन पुस्तक चूंकि अधिकतर पुस्तक है वो स्त्रीलिंग में ही आती है, तो यहां हम इसको स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। किसमें रखेंगे? स्त्रीलिंग में ही रखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, कर्म कारक हो गया, और पढ़ना क्रिया के साथ इसका संबंध हो गया। अब आता है आपके सर्वनाम का पद परिचय। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम चलते हैं सर्वनाम का पद परिचय।
सर्वनाम का पद परिचय। ज्यादा साफ तरीके नंबर दो हमारे पास सर्वनाम का पद परिचय। वही सर्वनाम का पद परिचय में निम्न बातें बताई जाती है। बताई जाती हैं वही चलेंगे हम। पहला सर्वनाम का भेद, सर्वनाम का भेद। दूसरा हम चलेंगे लिंग, वचन कारक, और वही नंबर पांचवा पद क्रिया के साथ उसका संबंध, ये लेकर के हम चलेंगे। तो देखिए सर्वनाम के पद परिचय में भी यही बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, उसका वचन का कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध, ये चीजें हम लेकर के यहां चलते हैं। और इसमें देखिए वाक्य लेकर के चल रहे हैं हम। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये बात हम लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही बात आ गई कि हमको ये पहचानना है इस वाक्य में कि इसमें सर्वनाम पद कौन सा है। तो देखिए इसमें मैं सर्वनाम पद है। तरीका वही है कि सबसे पहले हम जो भी पद है सर्वनाम का उसको वाक्य से बाहर लेकर के आएंगे। तो वाक्य से बाहर लेकर के आए हम मैं को, मैं, और अब हम इसके का पद परिचय देने जा रहे हैं कि सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम का भेद, तो इसमें कौन सा भेद है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक में भी अब देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट सर्वनाम का जो भेद है उसी को यहां लिखेंगे।
पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे चलेंगे, इसका लिंग, तो मैं का लिंग क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। वचन एक वचन हो गया। कारक वही कर्ता। और पढ़ना क्रिया के साथ संबंध। या चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ता क्रिया पद के साथ संबंध इस तरीके से। तो ये हुई आपके सर्वनाम की पद व्याख्या या पद परिचय। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम पद है उसका पद परिचय दिया जाता है। सर्वनाम का पद परिचय इस तरीके से हम दे सकते हैं। अब आता है आप लोगों के तीसरा, और वो है हमारा क्या, क्रिया का पद परिचय। तो देखिए इसका इसको शॉर्ट ले लीजिए आप, और उसमें हम अगला जो वो लेकर के चलेंगे वो क्रिया का पद परिचय लेकर के चलेंगे। क्रिया का पद परिचय, क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय लेकर के हम चल रहे हैं। क्रिया पद का देते समय निम्न बातें बताई जाती हैं। पहला, क्रिया का प्रकार। दूसरा, लिंग। तीसरा, वचन। चौथा, वाच्य। इसमें वाच्य आता है। और पांचवा, तो देखिए आपको यहां इसमें यह नोट कर लेना है कि इसमें क्रिया का पद परिचय करते समय और इसका वाच्य बताना पड़ता है।
अब अगर वाचा हमारी क्लियर नहीं है तो चाहे तो इस पद को हम छोड़ सकते हैं। एक आता है इसका काल और एक वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध, वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध। तो इस प्रकार से क्रिया के जो पद परिचय है उसमें क्रिया का प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन, वाच का काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताया जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यह वाक्य हम लेकर के चलते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें क्रियापद देखना है हमको, क्योंकि क्रिया का पद परिचय हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखने की बात यही है कि इसमें आखिर क्रियापद कौन सा है और क्रियापद को हमको जानना है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो ये कौन सा पद हमारे पास क्रियापद है, मारा। प्रक्रिया वही रहेगी कि सबसे पहले जिस पद का भी हम पद परिचय या पद